Hello students, in the last video we studied the chapter 6, A Friend in Need of your section B, class 12th, Swami and Friends. Now in this video we are going to discuss the question and answers of this chapter. The name of the chapter is A Friend in Need. So students, in the last video we saw that how Rajam did a hard work on making the efforts to make all his friends a one group. उसने पूरी कोशिश की कि वो एक ग्रुप में बदल दे अपने पूरे फ्रेंड्स को who were fostering enmities, जो अपनी दुश्मनी पाल के बैठे थे, जो दुश्मन हो चुके थे, जो दुश्मन बन चुके थे. So now the question answers we should start, and the first question is how did Mani contemplate taking revenge on Somu, Shankar and P. मनी जो था वो कितना आतुर था, क्या कर रहा था सोमू शंकर और पी से बदला लेने के लिए, क्या सोच रहा था वो. मनी कंटेम्पलेटेड टेकिंग रिवेंज ऑन सोमू शंकर एंड द पी. मोनू इस तरह जो मनी था वो इस तरह से बदला लेना चाहता था सोमू शंकर और पी से बाय ब्रेकिंग सोमूज वेस्ट. पहले तो वो सोमू की कमर तोड़ना चाहता था. देन ही विल गेट पी अंडर हीज हील. वो पी को अपने हील में रखेगा एंड प्रेस हिम टू द अर्थ और उसे धरती में दबा देगा. एंड फाइनली ही विल हैंग शंकर बाय हिज नेक और वो शंकर को उसकी नोक नेक से या चोटी से है ना ओवर सरायू नदी में पीपल की बेड़ के वहाँ से बांध देगा. सो ये वो करना चाहता था. क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट प्रैंक. दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन. इट हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स. सो यू शुड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑलमोस्ट 9 out of 10 बिकॉज आप ये मान के चले कि ना ये क्वेश्चन तो आता ही है. वॉट प्रैंक डिड द मनी एंड स्वामीनाथन वॉन्ट टू प्ले ऑन राजम. राजम के साथ स्वामी और मनी क्या जो प्रैंक है वो करना चाहते थे. मनी एंड स्वामी वॉन्टेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन राजम. मनी और स्वामी जो है वो राजम के साथ एक प्रैंक करना चाहते थे. सो दे नॉकड एट द डोर ऑफ राजम्स रूम. उन्होंने राजम के रूम का दरवाज़ा नॉक किया. एंड एज सुन एज ही ओपन द डोर और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला दे प्रिटेंडेड टू बी अ ब्लाइंड किटन एंड ब्लाइंड पपी. वो अंधा कुत्ता अंधी बिल्ली बन के चले गए एंड क्रॉल्ड इन टू द रूम एज सच और यही बनकर वो रूम में चले गए. एज दे हैड क्लोज देयर आइज क्योंकि उनकी आंखें बंद थी दे डिड नॉट सी दैट सोमू शंकर एंड पी वर देयर. तो उन्हें दिखाई नहीं दिया कि सोमू शंकर और पी वी वहाँ थे. सो द प्रैंक वेंट रॉन्ग फॉर मनी एंड स्वामी. तो आखिरकार वो जो प्रैंक था वो मनी और स्वामी के लिए गलत चला गया, बुरा चला गया, उल्टा उन्हीं के ऊपर आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट मेड मनी टू बॉयल विथ रेज. मनी गुस्से में क्यों आ गया था. हाउ डिड राजम अस्यूज हिज एंगर. राजम ने उसका जो गुस्सा है वो कैसे शांत किया है ना. स्वामी एंड मनी वर एंग्री विथ राजम. स्वामी और मनी राजम से गुस्सा थे फॉर द थॉट ही हैड प्लेड अ डर्टी ट्रिक ऑन देम. क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजम ने उनके साथ गंदा खेल खेला है. बट राजम सून पेसिफाइड देम. लेकिन राजम ने उन्हें जल्दी शांत कर दिया बाय प्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस एज द किटन एंड द पपी. उनके कुत्ते और बिल्ली के जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था जो वो बनकर आए थे उसकी प्रशंसा कर दी उसने और उन्हें शांत करवाया. ही देन गेव देम अ लॉन्ग लेक्चर. फिर उसने उन्हें एक लंबा सा लेक्चर दिया ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप. कि दोस्ती के क्या मायने होते हैं, दोस्ती की क्या वैल्यू होती है. एंड ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट द टॉर्चर्स इन हेल टू दोज हु फॉस्टर एनिमिटी. और उसने साथ में उन्हें ये भी बताया, उन टॉर्चर्स के बारे में बताया जो नरक में दिए जाते हैं उन लोगों को जो नफरत पालते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इम्प्रेसिव थिंग्स डिड राजम टेल देम अबाउट फ्रेंडशिप. क्या इम्प्रेसिव चीज़ें राजम ने दोस्ती के बारे में कही थी. राजम सेड इम्प्रेसिव थिंग्स अबाउट फ्रेंडशिप. राजम ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें फ्रेंडशिप के बारे में कही थी. कोटिंग फ्रॉम हिज बुक. उसने अपनी एक किताब से कोट किया यानी कि निकाली बात. द स्टोरी ऑफ द डाइंग ओल्ड मैन. एक बूढ़े आदमी मरते हुए आदमी की और फेगोट की कहानी को उसने बताया. विच प्रूव्ड दैट यूनियन वॉज स्ट्रेंथ. जिससे ये साबित होता है कि जो एकता है उसमें शक्ति है. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. और मुसीबत के समय जो दोस्त काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है.
ही देन स्टार्टेड गिविंग हेयर रेजिंग अकाउंट्स. उसके बाद उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन शुरू किया ऑफ वॉट हेल लुक लाइक, कि नरक दिखाई कैसा देता है. अकॉर्डिंग टू राजम इट वॉज रिटर्न इन द वेदा, राजम के अनुसार ये वेदों में लिखा हुआ है, दैट अ पर्सन हु फॉस्टर एनिमिटी शुड बी टॉर्चर्ड इन हेल, कि वो शख्स जो नफरत पालता है उसे नरक में सजाएं दी जाएगी या दी जाना चाहिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इट इज वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अगेन. व्हाट अकॉर्डिंग टू द वेदास, वेदों के अनुसार, वॉज द पनिशमेंट, क्या सजा है उन लोगों के लिए हु फोस्टर एनिमिटी, जो नफरत पालते हैं. राजम गेव अ लेक्चर ऑन दोज हु फोस्टर एनिमिटी विथ अदर्स, जो लोग दूसरों के साथ नफरतें पालते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनके साथ क्या होता है उसके बारे में राजम ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था. ही सेड, उसने कहा, दैट इट इज़ रिटन इन द वेदा, ये वेदों में लिखा हुआ है, दैट कि अ पर्सन हु फॉस्टर्ड एनिमिटी, वो शख्स जो दुश्मनी पालता है, शुड बी लॉक्ड अप इन अ स्मॉल रूम, उसे एक छोटे कमरे में बंद कर दिया जाएगा, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद. ही वुड बी मेड टू स्टैंड स्टार्क नेकेड, उसे बिल्कुल खड़ा कर दिया जाएगा नग्न अवस्था में, ऑन अ पेडेस्टल ऑफ रेड हॉट आयरन, है ना, बिल्कुल सरियों पर, गर्म सरियों पर खड़ा कर दिया जाएगा उसे. देयर वर बीहाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते होंगे, ऑल अराउंड, चारों तरफ, विद बीज एज बिग एज लेमन्स, नींबू के आकार की मधुमक्खियाँ होंगी वहाँ पर. इफ द सिनर स्टेप डाउन फ्रॉम द पेडेस्टल, अगर पापी जो है वो पेडेस्टल से अपने पाँव नीचे रखेगा, ही वुड हैव टू पुट हिज फुट ऑन इमेंस स्कॉर्पियोज, हजारों संख्या में मौजूद जहरीले बिच्छुओं और सेंटीपेड्स के ऊपर उन्हें पाँव रखना होगा, दैट क्रॉल्ड अबाउट द रूम इन द हंड्रेड, जो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रूम में पहले से फैले हुए होंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द बॉयज एंड देयर एनिमिटी, किस चीज़ ने, है ना, उनके जो बच्चे थे, लड़के थे, उनके बीच में दुश्मनी ख़त्म करी. राजम्स लेक्चर ऑन फ्रेंडशिप, राजम के लेक्चर ने फ्रेंडशिप के बारे में, और द प्राइजेस ही ऑफर्ड, या फिर जो उसने प्राइजेस दिए थे उसने. सपोर्ट योर आंसर विथ आर्ग्यूमेंट्स, आपको अपना आंसर देना है. तो हम कहेंगे कि आई थिंक राजम्स लेक्चर ऑन फ्रेंडशिप पुट अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ईच ऑफ द फ्रेंड्स, कि राजम ने जो लेक्चर दिया था फ्रेंडशिप के बारे में उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ा. दे गॉट अफ्रेड ऑफ द रिलीजियस इंटरफेरेंस एंड दे वर नॉट इन माइंड टू कंटिन्यू एनिमिटी, जो धार्मिक बातें कही गई थी नफरत पालने वालों के बारे में, नरक वरक का वर्णन था, उसने उन्हें डरा दिया था और वो दुश्मनी नहीं रखना चाहते थे. एंड गेट पनिशमेंट इन द लाइफ आफ्टर डेथ, और जो मृत्यु के बाद सजाएं मिलेगी उसको भोगना नहीं चाहते थे. द गिफ्ट ऑफर्ड बाय राजम मे हैव ऑल्सो पुट देम इन प्रेशर, और राजम ने जो गिफ्ट दिए थे उससे भी थोड़ा सा प्रेशर तो बना था. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी एंड स्वामी वॉन्टेड टू प्ले प्रैंक ऑन राजम, डिस्क्राइब हाउ दैट प्रैंक टर्न्ड अपॉन देम. मनी और स्वामी राजम के साथ एक प्रैंक करना चाहते थे, कैसे वो प्रैंक, वो मजाक उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया. तो हमने ये क्वेश्चन का आंसर वैसे तो ऊपर दे दिया है, लेट्स स्टार्ट अगेन. मनी एंड स्वामी वॉन्टेड टू प्ले प्रैंक ऑन राजम, मनी और स्वामी एक प्रैंक खेलना चाहते थे राजम के साथ में. द रिच राजम्स रेसिडेंस, वो राजम के घर पहुँच गए. द टू फ्रेंड्स जम्प्ड ओवर द बाउंड्री वॉल, दोनों दोस्त बाउंड्री वॉल को जंप करके आगे निकल गए. अ सर्वेंट केम रनिंग टूवर्ड्स देम, एक सर्वेंट उनकी तरफ दौड़ के आया. ही आज वाई डिड दे क्लाइंब ऑन द वॉल, उसने पूछा दीवार पर क्यों चढ़ रहे थे. देर वॉज अ डिस्कशन बिटवीन देम एंड देन दे टोल्ड द सर्वेंट दे हैड कम टू मीट राजम, उनके बीच में कुछ बातें चलती है, उसके बाद में वो लोग बताते हैं कि हम वो राजम से मिलने आए हैं. दे नॉक्ड एट द डोर ऑफ राजम्स रूम, वो राजम का दरवाज़ा खटखटाते हैं. एज सून एज ओपन द डोर, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, दे प्रिटेंडेड टू बी ब्लाइंड किटन एंड ब्लाइंड पपी, वो अंधा कुत्ता अंधा बिल्ली बन जाते हैं. एंड क्रॉल्ड इन टू द रूम एज सच, और वही बन के कमरे में घुसते हैं. एज दे हैड क्लोज देयर आइज दे डिड नॉट सी देट सोमू शंकर एंड पी वर देयर, उन्होंने अपनी आँखें बंद कर रखी थी, उन्होंने देखा नहीं कि सोमू शंकर और पी वहाँ थे. इंडीड दे टच एंड फॉन्डेड देयर फीट विथ, वेन दे डिड ओपन देयर आइज दे सॉ देट दे टच द फीट ऑफ सोमू शंकर एंड पी, वो जिसके पाँव में जाके गिरे उन्हें बाद में मालूम पड़ा कि वो पाँव सोमू शंकर और पी के थे. इस तरह से जो प्रैंक था वो उल्टा उनके ऊपर ही आ गया. आर क्वेश्चन नंबर 2 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डिड राजम ब्रिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन बिटवीन हिज फाइटिंग फ्रेंड्स, अपने लड़ते हुए दोस्तों के बीच में उन्होंने राजम ने समझौता कैसे करवाया.
राजम वॉज अ टैक्टफुल बॉय, राजम काफ़ी चतुर लड़का था। ही बिलोंग टू अ हाई सोसाइटी, वो ऊंचे परिवार से आता था। ही वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली विथ एवरी वन, वो हर किसी से दोस्ती करना चाहता था। सो वेन स्वामी एंड मनी वॉन्टेड टू प्ले प्रैंक ऑन हिम, तो जब स्वामी और मनी ने उसके साथ प्रैंक करना चाहा, एंड लेटर वार एक्सपोर्ट, और जब बाद में सबको मालूम पड़ गई ये बात, ही वॉज नॉट अनायड, तो उसने गुस्सा नहीं किया। ही न्यू वॉट दे हैड डन, उन्हें पता था, उसे राजम को पता था कि उन्होंने क्या किया। वॉज आउट ऑफ जेलेसी एंड एनिमिटी अमंग देमसेल्स, कि वो जो कर रहे थे वो जेलेसी के कारण, दुश्मनी के कारण कर रहे थे। सो ही ट्राइड टू गिव एन एलोबरेट एंड इफेक्टिव लेक्चर ऑन फ्रेंडशिप, उसने उनको काफ़ी लंबा चौड़ा और इफेक्टिव लेक्चर फ्रेंडशिप के बारे में दिया, और कैसे दुश्मनी उनका जीवन बिगाड़ सकती है उसके बारे में भी कहा। ही डिड नॉट माइंड देयर डर्टी ट्रिक, जो गंदी ट्रिक दोनों करना चाहते थे उनको उसने माइंड नहीं किया। इंस्टेड ही प्रेज देयर परफॉर्मेंस एज किटन एंड पपी, बजाय इसके उसने उनके परफॉर्मेंस को प्रेज़ किया, प्रशंसा की। देन ही प्रीच देम ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, जब फिर उसने प्रीच यानी सत्संग देना स्टार्ट करा या भाषण देना स्टार्ट करा कि वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप क्या होती है। एंड सेड दैट दोज हु हार्बर एनिमिटी, और वो लोग जो दुश्मनी पालते हैं, आर सब्जेक्टेड टू हेल, उन्हें नरक पहुँचा दिया जाता है। दे आर टॉर्चर्ड, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। लेटर दे ऑल रियलाइज देयर फॉल्ट्स, बाद में सबको अपनी गलती समझ आ गई। देन राजम ऑफर्ड देम गिफ्ट्स, राजम ने उन्हें गिफ्ट दिए। देर वॉज रिकन्सिलेशन अमंग देम, और सबके बीच में दोस्ती वगैरह हो गई। सो इट वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।